आज भारत बंद को लेके विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो है अपने अपने कार्यक्रम बिना अनुमति के जारी किए हैं, जिनके संदर्भ में उनको अवगत करा दिया गया है कि बिना अनुमति के किसी का कार्यक्रम नहीं होगा, किसी के द्वारा अनुमति नहीं मांगी गई, लिहाजा वो कार्यक्रम जो है निषिद्ध किए गए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने भारत बंद के दृष्टिकोण से एहतियातन सभी व्यापारियों से, जो व्यापारियों के संगठन है उनसे बातचीत की है, जो किसानों के और मजदूरों के संगठन है उनसे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से, मंडी समितियों से, और साथ ही साथ हमने इम्पोर्टेंट सभी जगहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनसे भी, बड़े नेताओं से हम सबकी बातचीत हुई है। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं, अभी शहर में जगह जगह बाज़ार खुला हुआ है और जो बाज़ार देर से खुलते हैं वो भी खुलने की तैयारी में हैं। सारा ट्रैफिक लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्यक्रम को कराने के लिए तल्लीन है और पूरी मुस्तैद आपको नजर आ रही है। सर, जो लोग जबरन दुकानें बंद कराते हैं उनके लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो लोग स्वेच्छा से दुकानें बंद किए हैं उनके बारे में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैसेज
व्यापार मंडल के माध्यम से भी कहा गया है और सभी को इस बात से अवगत कराया गया है कि कोई जोर जबरदस्ती किसी की दुकान बंद नहीं कराएगा। अगर कोई जोर जबरदस्ती बंद कराएगा तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कर रहे हैं।